बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड पे बहुत सी बेस फिल्में बनती है, जैसे कंपनी, दाऊद और छोटा राजन की कहानी है, ब्लैक फ्राइडे। बॉलीवुड ही नहीं, कमल हसन ने भी वरदा राजन से इंस्पायर होकर नायकन फिल्म बनाई थी। वंस अपॉन अ टाइम मुंबई हाजी मस्तान से इंस्पायर होकर फिल्म बनी थी। और इन फिल्मों का चलन शुरू हुआ था 1970s से। सलीम जावेद लिखित फिल्म दीवार रिलीज हुई जो हाजी मस्तान पे बेस थी। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और बॉलीवुड में पैसों की कमी की वजह से अंडरवर्ल्ड मूवीज को फाइनेंस करता था। पहना हाथ में तो उसका एक ड्रॉप निकलता है जो 10 ग्राम कोकीन बनता है 100 ग्राम। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों की कहानी की शुरुआत होती है 1960s में हाजी मस्तान के द्वारा, जो मुंबई का डॉन था, जिसने स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस सोना से शादी की थी, जो फिल्मों में बड़ी एक्ट्रेस बनने आई थी, जिसके लिए हाजी मस्तान ने कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को फोन घुमाना शुरू किया, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने खुद का पैसा निकाल के एक फिल्म को फाइनेंस किया। और हाजी मस्तान एक बिजनेस माइंडेड था, जिसे बॉलीवुड में बिजनेस पोटेंशियल नजर आया। 1960s एंड 1980s से पहले ये रिश्ता हाय हेलो तक ही सीमित था, लेकिन 1980s में नए डॉन आए, उन्होंने इन फिल्म बिजनेस में हाथ आजमाने लगे, क्योंकि तब तक इंडियन गवर्नमेंट ने फिल्म बिजनेस को लीगल नहीं किया था। 2000 आते आते अंडरवर्ल्ड अब मूवी के राइट्स भी चाहते थे, और इसी समय फिल्मों को लेजिमेंट मिल गया। 2001 की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके, फिल्म को नाजिम रिजवी ने प्रोड्यूस किया था, और इस फिल्म में काम करने के लिए उन एक्टर्स को धमकी मिली थी। और 1980s में फिल्मों में पैसा कहां से आ रहा है उसका ट्रैक रखना असंभव था, क्योंकि शुरुआती फिल्म इन्वेस्टमेंट फिल्म मेकर खुद करते थे, कुछ बिजनेसमैन से पैसे लेते थे, जिसका ब्याज 30-40% प्रति वर्ष होता था, जिस वजह से कई फिल्म मेकर दिवालिया हो गए। और फिर हाजी मस्तान आए, और इन डॉन की पार्टीज में बड़े बड़े एक्टर्स भी शामिल होते थे। खुशी से या अबू सलीम की पार्टी में सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को फोर्स किया था आने के लिए, जिस वजह से केस फाइल हुआ और 2005 में एक केस क्लोज हो गया। जो कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई थी वो फेक है, ये कह के केस क्लोज कर दिया। वैसे अनिल कपूर दाऊद के बड़े अच्छे दोस्त है कहा जाता है, पर अनिल कपूर अकेले ही अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना भी दाऊद की पार्टीज अटेंड करते थे, जिससे उन्होंने इनकार किया है। वैसे ही संजय दत्त, अबू सलीम, छोटा शकील, इनकी दोस्ती भी बड़ी गहरी थी। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में अबू सलीम संजय दत्त से मिले और उन्हें AK-47 दी, जिस वजह से संजय दत्त को जेल जाना पड़ा। और संजय दत्त के अरेस्ट के बाद इस फिल्म बिजनेस में बड़ा मोड़ आया, जिसमें बहुत से एक्टर्स को कोर्ट में घसीटा गया, लेकिन किसी ने भी मुंह नहीं खोला सिवाय प्रीति जिंटा के। और कई बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का रिलेशन इन डॉन लोगों के साथ था, जैसे दाऊद मंदाकिनी, अबू सलीम मोनिका, विक्रम मुसवानी, ममता कुलकर्णी, ऐसे बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस का नाम सामने आया था। बॉलीवुड के इसी नाम से आता है ड्रग्स, जो बहुत फेमस है, जिसे इम्पोर्ट करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, इन जैसे मेजर देश। और इसमें मेजर रोल निभाते हैं मुंबई का सेवा पोर्ट, उसमें से 70% मुंबई की डोंगरी से इनलीगल ड्रग इम्पोर्ट होता है। डी कंपनी का चिंकू पठान चलाता है, जिसे NCB ने पकड़ा था। बॉलीवुड में नशा आता है डीलर से, जो अननोन होते, लेकिन सेलेब्स की कई चैट्स लीक हुई है और कई एक्टर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को धमकियां भी मिली है। 1996 को एक कॉल आता है जिसमें 10 करोड़ मांगे जाते, लेकिन वो आदमी पैसा नहीं देता, क्योंकि उसने बहुत सा पैसा पहले ही दिया होता है। 2 अगस्त 1997 को जू के एक मंदिर में जब वो आदमी पूजा करके बाहर आता है, तब तीन आदमी उसको घेर के उसको गोली मार देते हैं, और वो आदमी है गुलशन कुमार। 19 जनवरी 2019, डकार, सेनेगल, ऐसे भी कुमार पांडे उसे पकड़ लेते। रवि पुजारी था, रवि पुजारी पे 2000 से भी ज्यादा केस फाइल है, और कहीं पर भी उसका क्लियर फोटो नहीं है, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट है। और जब रवि पुजारी को गिरफ्तार किया जाता है, तब वो अपनी चतुराई दिखाता है और खुद पे ही एक झूठा धोखाधड़ी का केस लगा देता है। सेनेगल के कानून के हिसाब से जब तक आरोपी के खिलाफ देश में सभी मामलों पे फैसले नहीं होते, तब तक आरोपी जमानत पे होता है, और इसी तरह रवि पुजारी छूट जाता है। रवि पुजारी आखिरी आदमी था जो बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स को धमकी देकर वसूली करता था। 2006 में उसके गुंडों के साथ उसने महेश भट्ट के ऑफिस में गोलियां चलाई थी, वैसे करीम मोरानी के ऑफिस पर भी गोलियां चलाई थी। अब अंडरवर्ल्ड इस समय फिल्म के साथ अब फिल्म के राइट्स भी चाहता था। संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड एक्टर दूर होने लगे। इसी समय एक डायरेक्टर ने एक फैसला लिया। तो फिल्म बनने के 3 स्टेजेस होते,
प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें फिल्म के टॉपिक से लेकर शूटिंग एडिटिंग तक खर्च होता है, जिसके लिए लगता है पैसा, और फिल्म बनने के बाद भी प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है। अगर फिल्म एक फेमस आदमी बना रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी वो खुद ही करता है। फिल्म बनाने के लिए सुभाष घई द्वारा 2000 में मुक्ता आर्ट्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया 100 करोड़ में और सस्पिशियस फाइनेंसर से बचने के लिए। और 3 महीने बाद एकता कपूर ने अपनी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स को भी लिस्ट करवाया। लेकिन हर कोई आईपीओ नहीं कर सकता। तब आई IDBI बैंक, वो भी 7 करोड़ के चेक के साथ 16% ब्याज पर। 2002 में आई आंखें, फिल्म का आधा बजट बॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म है जिसे किसी बैंक द्वारा फाइनेंस किया था। टाटा द्वारा एतबार फिल्म बनाई गई। फिर कुमार मंगलम बिरला की कंपनी एप्लॉज एंटरटेनमेंट ने 2 फिल्म बनाई, ब्लैक और देव। और 2004 में वीर जारा को एक्सिम बैंक ने 13 करोड़ दे के फाइनेंस किया। और कभी अलविदा ना कहना, इस फिल्म को IDBI बैंक ने फंड किया था। वाईकॉम, रिलायंस, UTV, एरोस ने बिजनेस में एंट्री ली। इसकी तरह कई कंपनियों की स्थापनाएं हुई और बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन थे वो खत्म हुए। बॉलीवुड ने अपने एक फिल्म का एक सिस्टम बना के अंडरवर्ल्ड से दूर हो गया।